सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्माज संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्माज संजीवनी होम्योपैथी और मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं बात कर रहा हूं बालों को लेकर, हेयर फॉल को लेकर। बाल झड़ना समस्या बनता जा रहा है और इस जमाने में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी का कारण जीवन शैली हो सकता है। ज्यादातर लोगों का के साथ ये समस्या हो रही है कि वो उनके पास वक्त नहीं बच रहा है, अपने आप पर खुद पर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं बच पा रहा है, खाने पर खाने के टाइमिंग्स पर खाने में कौन कौन से पोषक आहार लेना चाहिए उसके बारे में भी सोचने का वक्त नहीं बच पा रहा है। अब नहीं बच पा रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें हम, कौन कौन से कारण होते हैं हेयर फॉल के, थोड़ा समझते हैं। और मैं बेसिक कारणों की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हैं। ऐसे तो पुस्तकों में और बुक्स में बहुत सारे कारण हेयर फॉल के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातों पे आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करूँगा और ऐसी दवाइयाँ जिसके बाद लगभग 60-70% 80% केसेस में हेयर फॉल डेफिनेटली रुकेगा ही, रुकना ही पड़ेगा। पहली जो बात है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हेयर फॉल को लेकर है वो है हमारे खाना खाने का टाइम। हम जो सुबह खाना खाते हैं वो अब सुबह का नहीं रहा, अब वो दोपहर का हो गया है या शाम का हो गया है। मतलब सुबह 10-11 बजे जो हम पहले खाया करते थे खाना, पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी, अब वो हम लोग खाते हैं शाम को 2-3 बजे, दोपहर में 2-3 बजे या शाम को 4-5 बजे तक। और कुछ और भी स्पेशल हैं जो उसमें केवल रोटी सब्जी खा लिया, उनको तो लगता है कि पूरा खाना हो गया और वो फिर सीधे रात में खाते हैं। उन्हें नियम बना लिया है कि मैं केवल एक ही बार खाता हूँ, दो बार बार नहीं खाता। तो ऐसे बहुत सारी शख्सियतें हैं, यदि आप उनमें से एक हैं तो सुधर जाएं। दूसरा, रात में बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार हम लोग खा ले रहे हैं और हमारे खाने में का टाइमिंग्स रात का बहुत ज़्यादा बर्बाद है, बेकार हो चुका है। और हम रात में इतनी देर से खाना खाते हैं उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन की कसर रात में निकाल रही, ये बहुत गड़बड़ है। तीसरी पॉइंट, हमारे खाने में विटामिन सी और विटामिन डी के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। विटामिन डी तो आपको खाने से मिलेगा नहीं, विटामिन सी तो आपको खाने से मिलेगा, वो नींबू संतरा मौसम्बी इस तरह के खट्टे फलों में रहता है। वो हमने खाना छोड़ दिया है क्योंकि हमें ये बोला गया है कि खट्टा खाओगे तो गला खराब हो जाएगा और खट्टा खाओगे तो जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, इस वजह से क्या खाएं, बैठिए उसमें सर खाइए। दूध हम पीते नहीं हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है या हमें ये समझ में आने लगा है कि दूध पीने से गैस बनती है। ना जाने ये वाला बात भी हमें किसने सिखाया है कि दूध पीने से गैस बनती है, क्योंकि दूध पीने से गैस बनती होती ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि तो बेचारे बच्चे बचपन से दूध नहीं पीते। जब माँ के गर्भ में थे और तुरंत निकल कर आए माँ के गर्भ से बाहर और डिलीवरी के बाद से सबसे पहला काम तो दूध पिलाया जाता है। उस समय सबसे पतली झिल्लियाँ होती हैं हमारी आंतों की, आंतें एकदम झिल्लियाँ जैसे होती है, आंतों की दीवार भी एकदम पतली झिल्ली जैसी होती है, उस समय दूध पच जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद दूध पचता नहीं लगता है लोगों का, मतलब ऐसी सोच बन गई है। समाज ना जाने कैसा क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। फल खाना हम लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि हमें डर है कि ये फल सही है या नहीं है। जो है जैसा भी है, कम से कम सीजनल फ्रूट्स जो आपके लोकल एरिया में मिल रहे हैं वो तो कम से कम बहुत अच्छे होते हैं,
उनको तो ले लीजिए। हरी सब्जियां सैलड तो खाते ही नहीं है क्योंकि उसको खाने में टाइम ज्यादा लगता है। खैर ये तो कुछ कॉमन बातें होंगी। एक होता है हार्मोन्स की वजह से जो हार्मोनल बैलेंस आपका ठीक नहीं, ज्यादातर महिलाओं में होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है और महिलाओं में फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीन चार हार्मोन्स ही जो मेन हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के इम्बेलेंस की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। मैं बहुत बेसिक बातों की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। खाने के बारे में बात किया तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, मतलब पोषक आहारों की कमी को, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, हमारे आदत के ऊपर है, हम कर पाएँ तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। दूध पीते नहीं हैं, रात में देर तक जागते हैं उल्लुओं की तरह, और खाने का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। उसके बाद भी बालों की केयर के लिए कम से कम एक्सटर्नली ही कुछ कर लें, इंटरनली कुछ नहीं कर पाए तो एक्सटर्नली ही। तो हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हैवी स्टेरॉइड्स यूज़ करने चालू कर दिए, क्योंकि हमें या तो यूट्यूब में मिला देखने के लिए, या बहुत ज़्यादा मिनोक्सिडिल हमने प्रिस्क्राइब कर हुआ और मिनोक्सिडिल आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया स्टेरॉइड बेस पे, तो जो बच्चे थे वो भी बच्चे नहीं रहेंगे, बाल में चढ़ गए। नेचुरली और कौन कौन से तरीके हैं तो आपको कुछ मेडिसिंस बता रहा हूँ, क्योंकि मिनोक्सिडिल 2% 5% 10% तीन रेंज में अवेलेबल है। मिनोक्सिडिल तो ले लिया आपने शुरुआत में तो बाल आ गए, ये स्टीरॉइड था, शुरुआत में इसने बालों की ग्रोथ तो बढ़ा दी लेकिन बाद में जड़ से ख़त्म हो गए। तो क्या हम स्टीरॉइड बेस्ड थेरेपी पे जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? जल्दी चाहिए, क्योंकि जल्दी आ तो जाएगा लेकिन जब जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो वैसा भी ना हो। कुछ मेडिसिंस मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं और आपको स्टीरॉइड बेस्ड ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ना महसूस हो, ज़रूरत ही ना पड़े। दवाइयों के नाम नोट कर लीजिए। फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है एसिड फ्लोरिका 200 पोटेंसी में, ये आपको लेनी है हफ्ते में एक बार। कुछ कुछ केसेस में जहाँ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है आपको दो दो बूंद सुबह शाम रेगुलर करनी पड़ेगी। दूसरी जो ड्रग है बहुत अच्छी ड्रग है स्काल्पटून टैबलेट के साथ में एक और आती है फोली प्लस टैबलेट। स्काल्पटून टैबलेट एक गोली सुबह एक गोली शाम, ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन है, और फोली प्लस टैबलेट भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है और ज़्यादातर लोगों ने इस बारे में मुझे बताया है, और ये प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक में वो मैं बता रहा हूँ। कुछ सामान्य केसेस के लिए, सभी केसेस के लिए पॉसिबल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वो, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअली आपके पूरे केस की स्टडी करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, तो वो एक पिक्चर अलग है, उसको यहाँ पे मत लाना। ये कॉमन तरीका है जिससे 70-80% केसेस में ये काम करता ही है। स्काल्पटून टेबलेट एक गोली सुबह एक गोली शाम, फोली प्लस टेबलेट चार गोली सुबह चार गोली शाम, और लाइकोपोडियम 200 आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी रोकेगा, मतलब बाल जल्दी पकेंगे भी नहीं। जो तनाव आपको रहता है ना अपने काम का, अपने बॉस का, अपने स्ट्रेस, अपने व्हाट्सएप का, अपने फेसबुक का, अननेसेसरी का तनाव इतना ज़्यादा है कि जीना छोड़ चुके हैं हम लोग साल में एक बार घूमने जाने को ना बहुत ज़्यादा खुशी की बात समझने लगे हैं। बड़ा विचित्र है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, रोज क्यों नहीं जीते थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों। खैर लाइकोपोडियम 200 चार चार गोली सुबह शाम, और एक लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एक ड्रग मैं ऐड कर रहा हूँ वो है नक्सवामिका 200, बहुत ही मेरिकुलस ड्रग है, दो दो बूंद सुबह शाम इसे रेगुलर कर लीजिए। यदि हेयर फॉल ज़्यादा है बहुत ज़्यादा तो हेयर एग एक ड्रॉप आता है, इसमें दो प्रकार के ड्रॉप हैं ए और बी। हेयर एड ए एक्सटर्नल यूज़ के लिए है और बी इंटरनल यूज़ के लिए। जो बी है उसको 10-10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में लेकर पी लीजिए, और हेयर एड ए जो है
उसको आपको जो 30 ml की ड्रॉप होगी, दोनों पैक में है, तो 30 ml वाले को आपको 100 ml कम से कम ऑयल में मिक्स कर लेना है और उसे हफ्ते में 2 बार अच्छे से मसाज करनी है। पर सारा दारोमदार दवाइयों पे मत डाल देना, 60-70% मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, 30-40% काम है दवाइयों का, मैक्सिमम मेहनत आपको अपने खान पान पे करना है। अब आती है बारी जेनेटिक या आनुवंशिक स्तर पे जिसका हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए क्या करें। आनुवंशिक लेवल पे जिसका हेयर फॉल है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग होती है, जो एक पेचीदा काम है, जो क्लिनिक में ही पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए पेशेंट की पूरी लाइफ हिस्ट्री और उसके पूरे बिहेवियर का एनालिसिस करने के बाद एक दवाई सेलेक्ट की जाती है, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम होती है। ये बहुत पेचीदा काम है, ये आप यहाँ YouTube में नहीं कर सकते या लाइव चैट में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और डिटेल में उनसे बात करनी है, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब रही बालों को फिर से उगाने की बात, तो जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। यदि चांद दिखने लगा है पूरा, और पूरा चांद दिखने लगा का मतलब है पूरा क्लीन हो चुका है और स्काल्प एकदम चिकना हो चुका है जहाँ पर बाल दिख ही नहीं रहे हैं, तो फिर चांद पे तो विक्रम रोवर भी नहीं पहचान पाए हम लोग, तो ये बाल है। इस चांद पे आप बाल उगा नहीं सकते, आपको उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि सब काम मैं और आप केवल मेडिसिन से कर लेंगे तो ट्राइकोलॉजिस्ट जो हैं हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो हर एक चीज़ की लिमिट है और उस लिमिट के हिसाब से ही काम तय हुआ है। अभी हम ही सब कर लें तो बाकी लोग क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ समय बाद मुझे भी ट्राइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा, पर अभी मैंने मेरे बालों को बचा के रखा है, क्योंकि मैं खाना जो मैं मेरा जो रोज खाना खाता हूँ वो बहुत अच्छा रहता है और सलाद और फ्रूट्स पे मेरा फोकस रहता है। हरी सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट, दूध रोज 1 गिलास और एक टुकड़ा गुड़ का, इतना भी कर लो तो भी आपके बाल बच सकते हैं। मुझे बिल्कुल NDTV के रविश कुमार साहब से रिलेट मत करना, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे बताने के तरीके को, समझाने के तरीके को रविश कुमार साहब से रिलेट किया है और मैं उनसे हालांकि बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत कड़वी वड़ी भी बातों को बहुत मीठे अंदाज में बोल कर निकल जाते हैं। लोगों को उसकी कड़वाहट का असर तो होता है लेकिन स्वाद समझ में नहीं आता, कड़वाहट का असर होता है, स्वाद उनको समझ में नहीं आता। तो समझ लीजिए कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे इन दवाइयों से। लोकल एप्लीकेशन के लिए मैंने मेडिसिन बता दी। एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल है जो थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे हैं, जाउबेरॉल है, स्वाबे में, स्वाबे फार्मा का जाउबेरॉल, मैं सही बोल रहा हूँ ना, जाउबेरॉल। तो जाउबेरॉल जो हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, थोड़ा कॉस्टली है, 500-600 के आसपास शायद इसकी रेंज है, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे हैं। और दूसरा है कॉमनली आपको जो मिलते हैं फिर वो बैक्सम मेडिसिन में भी है, स्वाबे में भी है, रैकम में भी है, बहुत सारे हैं, वो है आर्निका, कैलेंडुला और जैवोरेंडी का मिक्स, ये हेयर ऑयल ब्राह्मी वगैरह उसमें रहता है, तो होम्योपैथी में ये कॉमनली अवेलेबल होता है, लेकिन मैं जाउबेरॉल को सजेस्ट करूँगा, इसके रिजल्ट अच्छे हैं और हेयर फॉल आपके रुकेंगे। लेकिन ये सारे प्रोसीजर एक साथ करने पड़ेंगे भाई, आप केवल तेल लगाने लग जाते हो या स्प्रे करने लग जाते हो या केवल खाने पे ध्यान है, दवाई पे ध्यान है, सब चीज़ें एक साथ करोगे, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ घी तेल पूरी सब खाते हैं एक साथ, तब खाना खाए जैसे लगता है। तो बस वैसा ही है, ये सारा प्रोसीजर एक साथ करना है, तब जाकर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो पाएगा। और ये क्लिनिकल एडवाइस ना होके एक ही कॉमन एडवाइस है, आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। आशा है बहुत प्यार आप इस वीडियो को देंगे और शेयर करेंगे और मेरे बालों को भी बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।